नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऋषि और चूहे की, जो कि लालच की वजह से है। दोस्तों एक बार की बात है, एक ऋषि अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। ऋषि तुरंत कुटी से बाहर आए और देखा कि एक छोटा चूहा चिल्ला रहा है, कर्रा रहा है। ऋषि ने पूछा क्या हुआ। चूहे ने बताया कि एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था, जब उसने काँव काँव बोला तो उसकी चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ऋषि को उस चूहे पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे बिल्ली बना दूँ, ताकि इसको किसी पक्षी से भय नहीं रहेगा। ऋषि ने तुरंत मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बड़ा ही खुश। ऋषि कहते हैं कि जाओ, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वह ऋषि के साथ रहने लगा। एक दिन अचानक ऋषि की कुटी में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते की नज़र बिल्ली पर पड़ी। कुत्ता तुरंत बिल्ली पर झपटा। बिल्ली चिल्लाई गुरु बचाओ। ऋषि उस समय स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा था। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। वो कुत्ता बनकर इतना खुश हो गया कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बन गया। दोस्तों क्या तकदीर थी उसकी। धीरे धीरे उसके मन में लालच भर गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊँ, ताकि लोग मुझसे डरें, मुझे किसी से डर ना रहे। वो ऋषि के पास गया और बोला, गुरुजी मुझे शेर बना दीजिए, लोग मुझे मार के भगा देते हैं, मैं किसी का कुछ नुकसान नहीं करूँगा। ऋषि ठहरे दयालु, मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ते से शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस ऋषि को ही मार दूँ, ताकि कोई यह ना जान पाए कि मैं पहले चूहा था और चूहा से बिल्ली बना और बिल्ली से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से शेर बन गया। इसके बाद वो सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि ऋषि पूजा में ध्यान लगाए हुए हैं, तो उसने तुरंत ऋषि पर आक्रमण किया। ऋषि को सब पता चल गया कि ये चूहा ही है। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः पहले वाली अवस्था में ला दिया, जिससे वो फिर से चूहा बन गया। ऋषि ने चूहे को इस गंदी हरकत के लिए अपने घर से भगा दिया, जिससे चूहे की जान फिर से पहले की तरह खतरे में हो गई। दोस्तों इससे हमें सीख यही मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। आदमी को अंधा बना देता है लालच। जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।